हम कह रहे हैं कि बाघ को पकड़ो। और ये जो प्रशासन है, यहाँ की सरकार है, धामी सरकार, ये यहाँ जो बाघ को पकड़ने वाले बात कर रहे हैं, वो बाघ को पकड़ने वाले लोगों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। इतना उल्टा शासन चल रहा है। मुद्दा क्या है भाई, हमारे गांव में यहाँ बाघ आ रहा है और ये लोग हमारे बाघ को पकड़ नहीं रहे, मार नहीं रहे, इसलिए हम क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं घर के पीछे। हमने कॉर्बेट प्रशासन से उस दिन भी कहा, आज भी कहा, वो कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। बच्चों का भी डर है बिल्कुल घर के पीछे, देखने वाली बात है अगर हम झूठ कह रहे हैं तो। हमने खेतों में फसल बो रखी है, हमारा फसल अभी से चुक जा रहा है, क्या खाएंगे हमारे बच्चे, क्या हम खाएंगे, क्या हम अपना गुजारा करेंगे। हमारा गुजारा उसी चीज से होता है, अंदर से बाहर आना हमारा मुश्किल हो रहा है। रात को टॉर्च लगा के देख रहे कहाँ पे नीलगाय है, सुंगर है, हमारे खेतों का नुकसान कर रहा है। अभी से अगर छोटे चारे को उसको खा जाएगा तो बड़ा होकर क्या फसल मिलेगी हमें, किससे खाने पीने का पूर्ति करेंगे, बच्चों का कैसे पढ़ाया करेंगे। प्राइवेट नौकरी है, होटलों में बर्तन धो रहे हैं बच्चे, उससे गुजारा कर रहे हैं, वो भी कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। डर डर के बाहर आ रहा है कि वहाँ पर जो गुरदार बैठा होगा वहाँ पर गुरदार बैठा होगा, बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, चारा काटना मुश्किल हो रहा है, ऐसा कोहरा लग रखा है। तो कहीं की सब जगह हमारे लाइट लगा रखी है, हमारे वहाँ सूर्य लाइट नहीं लगा हुआ, हमारे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नाला पड़ा हुआ है, नाले में सारे झाड़ी हुए हैं, वहाँ गुरदार का सारा अड्डा है, उसका जानवरों का अड्डा है, दिन रात खेतों में ही पड़े रह रहे हैं। जान खेत में देख जाओ हमारा सारा वहीं गोबर पड़ा हुआ उन जानवरों का, वहाँ हम। आप क्या कह रही थी? हम भी यही कहना चाह रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, घास को जा रहे हैं, हमारा जाना मुश्किल हो रखा है, इसी से हमारी रोटी रोजी चलती है। उपाय क्या है, क्या तरीका है, कैसे ठीक होगा? जैसे तो हम कह रहे हैं बाघ को मारो, बाघ को मारो और पकड़ के उसे मारो, बस बाघ ही नहीं एनी चीज है, सारे जानवर जितने हैं हमारे इधर सुरक्षित करो कि तार वायर लगाओ, करंट वाला तार लगाओ, अपने इलाकों में अपने जानवरों को रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जानवर पालो कुछ भी पालो हमारी बला से, लेकिन अपने इलाके में रखो जानवरों को। और इधर आ जा रहे गाँव के साइड आ जा रहे, कहाँ जाएंगे गाँव वासी, हम सब मजदूर इंसान ठहरे, हमारे कहाँ से जब अनाज पानी होगा तभी तो बच्चे कच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। ये प्राइवेट नौकरी ऐसी ठेठी नौकरी भी कहाँ है, रोजगार कुछ नहीं है। घर से बाहर आना ही मुश्किल हो रखा है सर, घर से बाहर आना मुश्किल हो रखा है। क्या है नहीं, किसको ले गया, क्यों, कितनों को मार दिया, औरतों को मारा हुआ दिखा नहीं, अभी कितने दो औरतें मरे हैं, मालधान में मरी हैं, देर में कोई हमला हो रहा है, इनके खुद बात का हमला हो रखा है, खुद हमला हो रखा है, ये देखो मेरा सारा मेरा सारा गला है, सारा फटा हुआ है, ये तो नाखून लगा है, बच्ची नाखून लग रहा है, साल हो गया, पैसा नहीं दिया कोई, पैसा ना सरकार ने दिया ना 10-12 साल हो गए, 10-15 साल दिया, हमने खुद अपने उससे अपना इलाज करा अपने बलबूते पे, यहां से सरजंग हॉस्पिटल जाके मैंने अपना इलाज करा, कितना पैसा लग गया मेरा, फिर और क्या, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों के जगह में बच्चे देते, हमने कॉर्बेट प्रशासन से उस दिन भी कहा, आज भी कहा, वो कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। बच्चों का भी डर है बिल्कुल घर के पीछे, देखने वाली बात है अगर हम झूठ कह रहे हैं तो, है ना। लेकिन अभी रेंजर साहब से बात हुई, अपनी टीम भेजेंगे। उस दिन डायरेक्टर साहब ने ये कहा था कि अगर कहीं पे भी आपको सूचना मिलती है तो हमें तुरंत बताना और हम आएंगे, हमारी टीम आएगी, नहीं आएगी तो बताना। लेकिन के बाद एक्शन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा एक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा, गांव वाले हम सब परेशान हैं। असल में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काफ़ी समय से बाघ का आतंक चल रहा है और तीन लोगों को यहाँ पर मार दिया गया है, महिलाओं को जो खेत में घास काट रही थी, और कुछ लोगों को घायल कर दिया। तो हम लोगों ने कहा भाई इस बाघ को पकड़िए आप, हमारी खेती भी जंगली जानवरों से बर्बाद है, यहाँ लोग घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बाघ को पकड़ो। और ये जो प्रशासन है, यहाँ की सरकार है, धामी सरकार, ये यहाँ जो बाघ को पकड़ने वाले बात कर रहे हैं, वो बाघ को पकड़ने वाले लोगों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। इतना उल्टा शासन चल रहा है। तो मैं इस बात को, यहाँ पर जो अभी भी पुलिसकर्मी हैं जो भी हैं, हम आगाह करना चाह रहे हैं, हम लोग शांति तरीके से यहाँ पर आंदोलन करेंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, और ये रोक ना चाहें, इनके पास जो ताकत उस ताकत से करें। और जो यहाँ पर चल रहा है, मैं यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपको जवाब देगी। जनता के इन तमाम शिकायतों का जाहिर तौर पर हल सरकार और प्रशासन के पास है। प्रशासनिक अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो देखिए एसडीएम और आंदोलनकारियों के बीच किस तरह की बातचीत हुई। हम लोग बेवकूफ हो रहे हैं क्या सर? हम सुबह सुबह 4 बजे अपने घर परिवार को छोड़ के आ रहे थे, हम लोग लगे हैं आपकी, है ना, ये लोग यहाँ पर रात से बैठे हैं, परसों आपने उन्होंने बुलाया, है ना, उस आदमी को इतना तमीज नहीं है, शिष्टाचार नहीं है कि भाई मैं चलो प्रोटोकॉल में चले गया हूँ, इतना बड़ा सिस्टम उनके पास कि भाई मैसेज कर दें, हम कह रहे हैं कि साहब 1-2 घंटे बाद कर लो, 3 घंटे बाद मीटिंग कर लो,
है ना। नहीं तो इसीलिए तो हमने कल बुलाया, आराम से पूरा नहीं बुला के क्या करना साहब, ऐसे आप ये बताइए ना सर। मैंने आपको भी फोन किया। हाँ नहीं आपको मैंने बता दिया था, जैसे आपका फोन आया ये काम आप 30 तारीख को कर दिए होते ना, 28 से 29 को कर दिए होते ना, ये हम ये बात नहीं कर दिया वाली। जैसे आपका फोन आया, मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ, आज की स्थिति में जैसे आपका फोन आया हमने मैसेज कन्वे करा और ये हमारी बन गई थी, क्योंकि मेला में था एकदम से हम भी नहीं जा पा रहे थे, तो ये हुआ कि हमने कहा 2-3 लोग चले जाओ और जो हमारे अपनी जो समझते कि एक तो जो डायरेक्टर बताएगी एक आपके तो हर बिंदु पे कल चर्चा की चर्चा से मैं खुद था मैं खुद था। हम ये कह रहे हैं जो भी जो जैसे आपकी बात हुई ना उसके मिनट से दे दीजिए। बिल्कुल ये बात हुई, कितनी औरतें मार दिया और कितने को मारना है और सारा गाँव खाली कर देना है, जिनके चक्कर में सरकार बनी है इस जनता से उसको खत्म कर दे सरकार। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जंगल। तो फिर जंगल कैसे जा रहे हैं जब बाघ का आतंक? बाघ का आतंक है, जाना जरूरी है ना, हमको भी लकड़ियाँ चाहिए। बाघ का आतंक तो है, बाघ तो घरों में आ जा रहा है, जंगल क्या करे, बाघ तो घरों में आ रहा है, जंगल हमारी भी तो मजबूरी, हमको लकड़ी लानी है, घास लानी है, बिना लकड़ी बिना घास के कैसे हमारा गुजारा चलेगा? जंगल जाना बंद कर देंगे तो क्या खिलाएंगे अपने जानों को, क्या खिलाएंगे, मतलब लकड़ी वकड़ी ऐसे जलाएंगे इतनी ठंडों में? लकड़ी और घास के लिए हमको जाना जरूरी है जंगल। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो गलत कर रही है, हम आंदोलनकारियों के साथ हैं। घर में ही इतना आतंक हो रहा है, जंगल में तो आतंक होगा ही, हमारे घरों में ही हम सुरक्षित नहीं है, घर में आ जा रहा है, हम अपने खेतों में कैसे जाएँ? लकड़ी लाना तो हमारी मजबूरी है, घास लाना, लकड़ी लाना, अब क्या खिलाएंगे अपने जानवरों को? अगर नहीं लाएंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? हमें तो चाहिए, ज़रूरत है हमें। हाँ खेत में जाना मुश्किल है, गोबर फेंकना जाती हूँ, वहाँ तमाम जड़ाव चीतल बंदर सब आए रहते हैं, सारे गेहूँ खा दिए, इतनी मुश्किल हो रही खेत में जाना कि शाम को 5 बजे से डर लग रही है खेत में जाना, तो उसको पकड़े नहीं है, तो इंसानों को पकड़ने आ रहे हैं, क्यों पकड़ना इंसानों को, अपने जानवरों को पकड़े। आम तौर पर भुक्तभोगी सच बोलते हैं, सच बोलने के लिए वह संघर्षों का रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि सरकारें बिना संघर्ष के अपना सरोकार नहीं दिखाती। संभवतः इसीलिए जिम कार्बेट इलाके के आंदोलनकारी सड़क बंद कर रहे थे, लेकिन पुलिस का क्या रवैया था, किस तरह से वह आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही थी और घर बैठे लोगों को उठा रही थी, इसके साक्षात दर्शन आपको इस वीडियो में होंगे। प्रदर्शनकारी सब वहाँ बैठ रहे हैं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर आप लोगों को सुनो मेरी बात, लोगों को फोन करके बुला रहे हो कि वहाँ पे आओ, ये पूरा कहाँ पे आओ, वहाँ पे कौन आ रहा है, देखो वहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम यहाँ से लगातार फोन कर रहे हो ना, फोन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किससे कर रहे हैं, सबको कर रहे हो, यहाँ इकट्ठा कर रहे हो लोगों को, गैदरिंग कर रहे हो, ये लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिक्कत क्या, हम लोग घर में बैठे हैं, अरे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा घर है, आपका घर है, आपका घर सब घर है, यहाँ बैठ के आप रणनीति बना रहे हो, वहाँ रास्ता रोको, ये सब करने के लिए बना रहे हो, कौन सा रास्ता रोको, आप सब लोगों को फोन, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, अधिकार कौन सा कानून से ले जाएंगे मुझे ये तो बताइए, हम ले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनो, देखो नहीं जी गलत गलत, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं कहीं कहीं प्रदर्शन नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं, देखिए मैं कोई देखिए अगर ले जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, आप देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ शांति से, बिल्कुल नहीं, मैं आपके मुझे कौन सा लोगों हम कोई पागल नहीं है, हम अपने घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, घर में दस बातें होती हैं, मेरी बात टाइगर घमा हुआ है, चेक कर लो, चेक कर लो, हमारी जनता आनंद हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये हमारी बिल्कुल नहीं स्वतंत्र वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, नहीं मेरी फ्रीडम है, आप मुझे किस 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 समझ जा रहे हैं यहाँ से, तो बताइए किस चीज में, यहाँ तो सभी बैठी के जानवर आ रहे हैं, जिन्हें बैठी के मनुष्य हैं उतने बैठी के जानवर आ रहे हैं, सुंगर अलग खोज जा रहा, चीता ने गेहूँ खा जा रहे हैं, वो जब जब मुख्यमंत्री कहीं रिबन काटता तो ऐसी चीता ने मेरे गेहूँ काट जाते हैं वो, और सब विधायक लोग सब कोमा में चले गए, सभी सब शेर हैं, सभी जानवर खेतों में देख के हमारे गेहूँ पट कर दिए, हम उनको हाँकने नहीं जा सक रहे हैं, बाघ बाघ तो हमला कर दे रहा, कहाँ जाए, ना कमाने जा सक रहे हैं ना हकाने जा सक रहे, कल ही बंदरों के हाथ में बंदर चिपट गया मुझ पर, तो कहाँ जाए, हम जानवर को रोको ना, अपने तार बाड़ करे कुछ भी करे, या तो अपने जानवर रोके, वो
सुअर हो गए, बंदर हो गए, तो हम क्या करें? बताओ, और कुछ आंदोलन करें तो ये घर में पुलिस वाले ऐसे चिपड़ने आ रहे, जानवर को तो पकड़ नहीं सक रहे, इंसानों को ले जा रहे घर में घसीट के। बाघ आखिरकार आतंक फैला क्यों रहे? बाघ इसलिए आतंक फैला रहा है क्योंकि उनकी जो सीमा है उससे ज़्यादा बाघ हो गए। बाघ 140 की कैपेसिटी है ये कॉर्बेट प्रशासन कॉर्बेट पार्क की, और यहाँ 260 बाघ इन्होंने खुद पेपर में दे के बताया है। तो इसलिए जब इनमें आपस में वो होता है तो एक गांव की ओर आ रहे हैं और गांव में आतंक मचा रहे हैं। इनके ना अंदर रहने की कोई व्यवस्था कर रखी है ना खाने पीने की, तो जब वहाँ हरा कुछ नहीं मिल रहा तो जानवर आ रहा है तो उसके पीछे बाघ भी आ रहा है, और बाघ जब उसे नहीं मिल रहा तो आसान शिकार मानव का कर रहा है, मनुष्य का कर रहा है। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच चल रहे संघर्ष में सरकार नाम की भी चीज है जिसके कारण सारा बवेला मचा हुआ है। सरकार के वन्य जीवों को बचाने के कठिन कानून हैं तो ग्रामीणों की लगातार मौत के शिकार होने की अपनी कहानियां हैं और उनके तथ्य भी हैं। सरकार कहती है कि वह वन्य जीवों को बचा रही है और ग्रामीणों की रक्षा कर रही है, लेकिन उसके अपने लचर कानून, उसके अधिकारियों की अपनी ठसक और करप्शन जैसी चीज ने मिलकर जिम कार्बेट समेत पूरे उत्तराखंड के ग्रामीणों के जीवन को लगातार परेशानियों और मुश्किलों में डाल दिया है। एक तो वैसे भी राज्य पलायन का सबसे प्रमुख राज्य है, और उसके बाद जंगली जानवरों खासकर गुलदार यानी चीता, तेंदुआ और बाघों के आतंक ने लोगों को पलायन करने के लिए और ज़्यादा मजबूर कर दिया है। पुलिस प्रशासन और वन्य जीवों की टकराहट में सबसे बड़ा नुकसान गरीब ग्रामीणों का है जहां उनकी आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।